सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हमेशा किसी के नजदीक रहना हो तो उससे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। नारद जी ने कृष्ण जी से पूछा, प्रभु इस दुनिया में सबके सब दुखी क्यों हैं? कृष्ण जी बोले, खुशियां तो सबके पास हैं, बस एक की खुशी से दूसरा परेशान है। हर रिश्ते का नाम जरूरी नहीं होता मेरे दोस्त, कुछ बेनाम रिश्ते रुकी जिंदगी को सांस देते हैं। आज का पंचांग 16 जून 2021 दिन बुधवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, रात्रि 10:46 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघ नामक नक्षत्र रात्रि 10:15 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 12:27 से 2:08 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगा और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। कुंभ राशि 16 जून 2021 दिन बुधवार, आज आपात में विश्वास से भरे रहेंगे और किसी अधूरे पड़े काम को हाथ में लेंगे। समस्याएं आएगी लेकिन आपका रास्ता नहीं रोक पाएगी। कोई अच्छा दोस्त आपका साथ देगा। कार्यस्थल पर मिलने वाले एक महत्वपूर्ण संबंध की सहायता से नया मौका मिलेगा। अतीत के फेर से निकलकर आगे की सोचें। आज आपके द्वारा किए गए निर्णयों में व्यवहारिक रहें। कुछ नए अनुबंध या व्यापार साधने के लिए कौशल और परख की आवश्यकता है। यदि आप पहले से ही प्रतिबंध नहीं है तो रिश्ते को अगले चरण पर ले जाने का दिन है। जोखिम या जुए से बचें। दोस्तों के साथ जश्न मनाने के लिए समय निकालें। आज व्यक्तिगत और व्यावसायिक मामले आकर्षण रहेंगे। आपके वर्तमान परिस्थितियों पर आधारित अनुभव इस समय मार्मिक हो सकते हैं। रिश्ते को लेकर भावुकता का अनुभव करेंगे। आज जो भी चीजें आप करते हैं उसका आपके जीवन में आपकी सोच से भी अधिक प्रभाव पड़ेगा। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। आज आप अपने कार्य को जितने परिश्रम और मनन से करेंगे उतने ही अनुकूल परिणाम भी हासिल होंगे। युवाओं को अपनी किसी दुविधा के दूर होने से राहत महसूस होगी। सिर्फ कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह विचार विमर्श करने की जरूरत है। काम करते समय आपको आत्मविश्वास की कमी महसूस होगी, फिर भी खुद पर बनाए रखे हुए विश्वास की वजह से आप काम करते रहेंगे, जो आपको अपनी क्षमताओं का एहसास दिलाएगा। खुद की नजरों में खुद की प्रतिमा को सुधारने की कोशिश करें। मार्केटिंग से संबंधित ज्ञान प्राप्त होने की वजह से अपने काम का विस्तार और आर्थिक प्रगति को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है इस बारे में सोच विचार किया जाएगा। पार्टनर के आपसे संबंधों को ठीक करने के लिए किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण साबित होगा। अधिक तनाव की वजह से माइग्रेन की तकलीफ हो सकती है। कंपाउंडरों को किसी पुरानी समस्या से छुटकारा मिल सकता है या उसका रास्ता निकल सकता है। अस्थायी या संविदा पर चल रहे लोगों को इस मामले में अनुकूलता रह सकती है। मानसिक स्थिति को स्थिर होने से बचाएं। लंबी दूरी के ट्रक चालकों को भारी वाहन चालकों को खास सावधानी रखनी होगी। गाड़ी सावधानी से चलाएं। पर्यटकों को चाहिए कि अपेक्षाकृत दूर दुर्गम स्थान पर जाने से बचें। उखड़े उखड़े रह सकते हैं। मंत्रियों को निजी सहायकों और निजी सचिवों को झटका लग सकता है। कोई बड़ा नीतिगत निर्णय आज ना लें, आगे के लिए टाल दें। सावधानियां, नजदीकी संबंधों को लेकर आपके अंदर शक और वहम जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसका असर आपके संबंधों पर पड़ेगा। इस समय व्यक्तिगत जीवन से जुड़े किसी भी कार्य में रुचि ना लें। यह समय बहुत सूझबूझ से व्यतीत करने का है। बात करते हैं लव लाइफ की। कुछ समय अपने परिजनों के लिए भी अवश्य निकालें। इससे परिवार में आपसे सामंजस्य और प्यार बना रहेगा। आप भगवान के द्वारा बनाए हुए अद्वितीय और विशेष हैं
और किसी को आपके बारे में गलत बोलने का अधिकार नहीं है। अगर आप ऐसे महसूस करते हैं तो सूक्ष्म कोमलता और शांत से अपने कार्यों से अपना जवाब दीजिए। स्थिति में एक मोड़ आएगा, आपका साथी आपको समझेगा। वर्तमान में आपका प्यार परिवेश के कारण व्याकुल है, लेकिन जब कठिन परिस्थिति आएगी तो आपके साथी को आपका महत्व पता चलेगा। अपने लिव इन पार्टनर या करीबी मित्र का खास ध्यान रखें, जो हमेशा आपका साथ देते हैं। विवाह के इच्छुक व्यक्तियों को अभी इंतजार करने की जरूरत है। जीवन में रिश्ते को कभी भी बोझ न समझें, बल्कि इन्हें खुलकर इंजॉय करें। एक पारिवारिक संघर्ष से गुजरना पड़ सकता है, आज आपके अनुमान से भी कुछ बहुत बड़ा होगा। आप निजी और व्यवसायी जीवन दोनों से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। अपने दिल और मूड दोनों को संभाल कर रखें, क्योंकि आज आपकी लव स्टोरी पूरी होने वाली है। भावुकता में कोई भी निर्णय लेने से बचें और बस इस प्यारे से एहसास को अपने दिल में समेट कर रखें। बात करते हैं करियर की। आपके सितारे अभी किन्हीं कानूनी समझौतों या ट्राई अप की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो आपके जीवन व नजरिए में बदलाव ला सकते हैं। किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो पहले योजना बनाएं, उसके बाद प्रयास करें। व्यापार में आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, आपके लिए व्यक्तिगत या व्यावसायिक संबंध मुख्य आकर्षण रहेंगे। आपका मूड आपके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। अपने जीवन के महत्वपूर्ण लोगों के लिए भी कुछ समय निकालें। आप जो भी वर्तमान में करेंगे उसका प्रभाव आपके भविष्य पर पड़ता है। भरोसे के बिना मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। आज आप अपने करियर को नए सिरे से शुरू करेंगे। आप एक नियोक्ता से दूसरे की तरफ अपना रुख कर सकते हैं, क्योंकि ये नया अवसर आपको आगे बढ़ने के मौके दे सकता है। लेकिन धोखाधड़ी के प्रस्तावों से सावधान रहें, क्योंकि कोई आपकी क्षमता और चतुराई का अनुचित लाभ लेने के लिए लंबे समय से प्रयासरत है। कारोबारी विस्तार संबंधित गतिविधियां शुरू होगी। इस समय मार्केटिंग संबंधित कार्यों को स्थगित रखें, क्योंकि कार्य क्षेत्र पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। कोई पार्टनरशिप संबंधित निर्णय लेने के लिए भी समय अनुकूल है। बात करते हैं सेहत की। नकारात्मक विचार की वजह से सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है। अपनी मन स्थिति का अवलोकन करते रहें। आज आपका पूरा दिन खुशी, अच्छे स्वास्थ्य और सामान्यतः बिल्कुल अच्छे मूड में रहने की भावना से भरा होगा। आज आपका दृष्टिकोण किसी महत्वपूर्ण चीज की ओर बिल्कुल सही रहेगा। आपके फैसले का प्रभाव आपकी मानसिक शक्ति औरों के लिए ईर्ष्या का कारण बनेगी। सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप गरीबों को हरी मूंग का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।